हेलो फ्रेंड्स आप सभी का पीएम सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है देखिए फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर फोर में फोर मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे सोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ओके देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है कोशेक थीटा माइनस थीटा इक्वल टू यल थीटा थीटा तो यम, अगर ऐसा है तो प्रूव करना है एल स्क्ट एल स्क्स थ्री इक्वल टू वन ये हमें यहां पे प्रूव करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हमारे पास यल इक्वल्स टू है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ओके हमें पता है कोशेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन तो इस कोशिक थीटा को लिख सकते हैं हम वन अपॉन साइन थीटा फिर ये माइनस साइन थीटा हमने क्यों लिखा है बिकॉज ये जो कोसेक थीटा है ये साइन थीटा का रेसी प्रोकल रहता है देखिए फ्रेंड्स यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब वन है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्रॉस भी ले सकते हैं वन से वन को मल्टीप्लाई किया वन साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इन वन मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा देखिए फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन इसका मतलब कॉस कॉस्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू रहेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इस वन माइनस साइन स्क्र थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन फिर ये रहेगा साइन थीटा और ये यल का वैल्यू है चलिए इसे कहता हूँ मैं फर्स्ट अब उसी प्रकार से यम इक्वल्स टू हमारे पास है देखिए सेक थीटा माइनस कॉस् थीटा इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस् थीटा माइनस कॉस् थीटा सिंस सेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा वन अपॉन कॉस् थीटा सेक थीटा का वैल्यू है वन अपॉन कॉस् थीटा अभी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे सेम करना है तो उस वजह से वन से वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर थीटा नो कॉस थीटा इन टू वन इट विल बी कॉस थीटा एंड देयर फॉर यम इक्वल्स टू तो, ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर हम यूज़ करते हैं स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तो वन तो इसका मतलब साइंस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू तो होगा वन माइनस कॉस थीटा तो उस प्रकार से वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू साइन स्क्वेयर थीटा तो ये साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इसे कहेंगे हम सेकंड ओके okay? तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास यल है और यम है जो प्रूव करना है उसका हम एल एच एस कंसिडर करते हैं देखिए एल एच एस है एल स्क्साइड द ब्रैकेट एल स्क् जो प्रूव करना है उसका हमने एल एच एस कंसिडर किया है अब यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं ठीक है L का वैल्यू देखिए L हमारे पास है कॉस थीटा तो इसका वैल्यू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है ना उसी प्रकार से M का वैल्यू एम इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर नाउ अगेन यल व्हाट इज यल यल इज कॉस्क्वेर थीटा अपॉन साइन थीटा फिर ये ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस यम यम है साइन स्क्वेर थीटा अपॉन कॉस सॉरी कॉस थीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा और फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस यहाँ पे है थ्री ठीक है हमने यहां क्या क्या यूज किया है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करके वैल्यूज हमने किए। अब देखिए फ्रेंड, स्क्वायर इट विल बी कॉस रेस टू फोर थीटा ये वैल्यू होगा कॉस रेस टू फोर थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेस टू फोर थीटा अपॉन साइन थीटा इन टू फिर से यहाँ पे मिलेगा साइन रेस टू फोर थीटा अपऑन कॉसक्वायर थीटा ध्यान दीजिए साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर साइन रेस टू फोर थीटा फिर कॉस स्क्र थीटा अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहेगा कॉस स्वायर थीटा उसका स्क्वायर फिर से बनेगा कॉस रेस टू फोर थीटा कॉस रेस टू फोर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन रेस टू फोर थीटा साइन रेस टू फोर थीटा अपॉन थीटा प्लस यहाँ पे है थ्री है ना प्लस यहाँ हमारे पास है थ्री ओके देखिए फ्रेंड्स अब देखिए ये कॉस रेस टू फोर थीटा अगर कॉस्क्वेर थीटा के साथ कैंसल होगा तो न्यूमरेटर में सिंपली हमारे पास रहेगा कॉसक्वेयर थीटा ये साइन स्क्वेयर थीटा साइन रेस टू फोर थीटा के साथ कैंसल होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास रहेगा साइंस स्क्वेयर थीटा ठीक है ना तो कॉस्वे थीटा इंटू थीटा अब हमारे पास है अब देखिए फ्रेंड्स सपोज हम यहां पे इस पूरे डिनोमिनेटर का मतलब ये साइंस थीटा फिर कॉस्क्वे थीटा और फिर ये थ्री इन सभी का और ये थ्री थ्री का डोमीटर बने इन सभी का अगर एलसीएम लेते हैं ध्यान दीजिए तो इन सभी का एलसीएम हमें लेते आएगा साइंस थीटा इंटू थीटा ठीक है अब इस साइंसक्वे थीटा इंटू कॉसक्वे थीटा से साइंसक्टा इस, इसको अगर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सिंपली कॉस्क्वे थीटा बचेगा जो एल सेम मेथड यूज करते हैं ना हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ साइंसक्वाटा कॉस्क्वे थीटा को अगर साइंसक् थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस्क्वे थीटा उस कॉस्क्वे थीटा से कॉसरेस टू फोर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसरेस टू सिक्स थीटा फिर इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे

यहाँ पे जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लेते हैं उसकी बजाय हमने यहां पर एल्सियम मेथड को अडॉप्ट किया है ठीक है अब यह कॉस्क्वे थीटा 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 ये यह थीटा कैंसिल होगा अब देखिए फ्रेंड्स ये जो कॉस रेस टू सिक्स थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं कॉसक्वेर थीटा और फिर ये ब्रैकेट क्यूब उसी प्रकार से साइन रेस टू सिक्स थीटा को लिख सकते हम साइन स्क्वेयर थीटा और फिर से ये ब्रैकेट क्यूब प्लस थ्री साइंस स्क्वेयर थीटा इंटू कॉ स्क्वेयर थीटा इसके साथ ध्यान दीजिए इसके साथ मैं लिखता हूं साइंस स्क्वेर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा क्यों बिकॉज ध्यान दीजिए साइंस स्क्वेर थीटा प्लस कॉ स्क्वेयर थीटा का वैल्यू रहता है वन तो अगर इसकी जगह हमने वन लिया तो वन इंटू थीटा इंटू थीटा इंटू थ्री मतलब यही टर्म मिलेगा थ्री थीटा इंटू थीटा तो हम थीटा थीटा अगर यहां पे लिखते हैं तो उससे ज्यादा कुछ उससे इफेक्टिव होने वाला नहीं है क्योंकि थीटा प्लस थीटा का वैल्यू तो वन है और इंटू इसकी जगह हमने वन लिखा और इसे मल्टीप्लाई किया तो यही टर्म मिलेगा थ्री साइंसा थीटा अब हमने इस टर्म को इस प्रकार से क्यों लिखा है देखिए ध्यान दीजिए बिकॉज हमारे पास एक्सपांशन है देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू इन साइड द ब्रैकेट ए प्लस बी ऐसा जो फॉर्मूला है ये एक्सपांशन रहता है ए क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू इन साइड द ब्राकेट ए प्लस बी यह किसका एक्सपांशन है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का अब यहां पे a मतलब क्या है ध्यान दीजिए कंपेयर अगर करते हैं तो a हमें यहां पे दिखता है कॉस्क्वेर थीटा और b हमें यहां पे क्या दिख रहा है साइंस थीटा ए का वैल्यू थीटा है और बी का वैल्यू साइंस थीटा है ठीक है अब देखिए ध्यान दीजिए क्यूब और ये क्या है कॉस्क्वे थीटा तो इसकी जगह अगर सपोज ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमें ए प्लस भी ब्रैकेट क्यूब लेना है वॉट इज ए कॉस्क्वेयर थीटा मतलब इसको सिंपली लिखना है हमें कॉस्क्वेयर थीटा प्लस साइंस स्क्वेयर थीटा और फिर ये ब्रैकेट क्यूब अगर हमने कॉस्क्वेयर थीटा प्लस साइंसक्वे थीटा ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन लिया तो हमें यही मिलेगा कॉस्क्वेयर थीटा ब्रैकेट क्यूब प्लस साइंस स्क्वेयर थीटा ब्राकेट क्यूब प्लस थ्री साइंसक्वे थीटा कॉस्क्वाये थीटा इन टू इन साइड द ब्रैकेट साइंसक्वे थीटा प्लस कॉस्क्वा थीटा एंड वॉट इज थीटा प्लस थीटा इट इज नथिंग बट वन तो ये हो जाएगा वन का क्यूब सिंस कॉ स्क्वाटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहता है वन अब वन का क्यूब मतलब ये रहेगा वन और यही यहाँ का आर एच एस है यही प्रूव करना था देर फोर फ्रेंड्स हमने एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव किया है क्या था एल एच एस एल एच एस था एल स्क् एम स्क्र इन टू इन साइड द ब्रैकेट एल स्क् प्लस एम स्क्वा प्लस थ्री और इसके इक्वल टू हमने प्रूव किया है वन ओके सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझने में बहुत ही आसान है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देखिए फ्रेंड्स मेरे आप सभी से, से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास टेंथ में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पर भी, भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो